हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया पाइथन के बारे में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पाइथन हमें कैसे इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम पर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक वेबसाइट है पाइथन की ऑफिशियल, जिसका लिंक मैंने यहाँ पर दे रखा है। आप ये लिंक यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो अपने ब्राउज़र पर, नहीं तो गूगल पर जाके पाइथन डाउनलोड लिख दो, इसको सर्च कर दो, तो जो सबसे पहली वेबसाइट खुलेगी ना, python.org, इस पर क्लिक करके जाना है। तो ये वेबसाइट जो है वो ओपन होगी, जो कि पाइथन की ऑफिशियली वेबसाइट है। यहाँ पर आप लोगों को सारे वर्जन्स मिल जाएंगे पाइथन के डाउनलोड करने के लिए, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, अगर आप लोगों को चेक करना है कि आप लोगों के में इंस्टॉल है या नहीं है पाइथन, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ सर्च पर जाके कमांड प्रॉम्प्ट पे खोलना है इसको। कमांड प्रॉम्प्ट को खोलना है, इसको CMD भी कहते हैं। PY टाइप करके एंटर दबा देना है। यहाँ पे देखोगे पाइथन 3.9.7 इस सिस्टम में अवेलेबल है, मतलब ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर आप लोगों के में कुछ और एरर आता है, लाइक नॉट फाउंड समथिंग, तो उसका मतलब ये है कि आपके में पाइथन इंस्टॉल नहीं है और आपको पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो खैर चलिए, अगर आप लोगों के में इंस्टॉल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ये जो लेटेस्ट वर्जन है ना विंडोज़ के लिए, यहाँ पर डायरेक्ट मिल जाएगा आपको। मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग समझ ही रहे हो विंडोज़ 10 है ये। यहाँ पर क्लिक करके ना डायरेक्ट ही पाइथन का इंस्टॉलर डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप लोग किसी और OS के लिए, किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पाइथन डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। मैंने विंडोज़ पे हूँ तो विंडोज़ का, अगर आप लिनक्स यूनिक्स यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से आप उसके लिए डाउनलोड कर सकते हैं। मैक यूज़ कर रहे हैं, अगर आप एप्पल यूज़र हैं तो यहाँ से पाइथन का इंस्टॉलर डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोसीजर फिर दोनों सबका सेम रहेगा, सारे OS का प्रोसीजर सेम रहेगा। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, इंस्टॉलर डाउनलोड होगा। मैंने पहले से कर रखा है, मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, मैंने पहले से भी कर रखा था, अभी दोबारा किया तो ये वाला हुआ है। अब आपको करना क्या है, इस इंस्टॉलर को .exe फाइल को ओपन करना है। मेरे पे पहले से इंस्टॉल है इसलिए मेरे पे ये विंडो आ रही है। आप लोगों पे डायरेक्ट नॉर्मली जैसे भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं वैसे इंस्टॉल करना है, और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट 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 करते जाना है बस। मैंने कर रखा है इसलिए मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, आपको क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट फिर से खोलना है। चेक करना है PY टाइप करके एंटर दबाना है, फिर आप लोगों को में ये आ जाना चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं देख के आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूँगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। और एक दूसरा ऑप्शन मैंने आप लोगों को पहले बता ही रखा है, ऑनलाइन कंपाइलर, ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, GDB, ऑनलाइन GDB.com, ये रहा, दोनों सेम है। चलिए, जब हमारी पाइथन इंस्टॉल हो ही गई है तो हम पाइथन पर डायरेक्टली रन करते हैं अपना प्रोग्राम। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ सर्च बॉक्स में पाइथन टाइप करना है,
तो ये जो आप देख रहे हो ना ऐप, आइडियली इसको ओपन करना है। तो ये जो है ना पाइथन का शेल ओपन हो जाएगा। अभी जो हम ऑनलाइन एडिटर में काम कर रहे थे वो यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि हमें हेलो वर्ड प्रिंट करना है, टाइप करेंगे प्रिंट, हेलो वर्ल्ड, एंटर दबाएंगे, हो गया रन। कुछ और प्रिंट करना है, कुछ भी प्रिंट कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर ही आपको लिखना है जो भी लिखोगे, एंटर दबाओ, बस प्रिंट हो गया। इसका मतलब हमारा जो पाइथन इंस्टॉल हुआ है वो अच्छे से इंस्टॉल हो गया है और अच्छे से तरह काम कर रहा है। चलिए थोड़ा वापस चलते हैं अपनी ये पाइथन ट्यूटोरियल की डॉक्यूमेंट फाइल पे। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कैसे चेक करना है पाइथन इंस्टॉल है या नहीं है। और हाँ, एक इजी तरीका मैं बताता हूँ आप लोगों को, कमांड प्रॉम्प्ट खोलने का, यानी कि सीएमडी खोलने का। आपको करना क्या है, विंडो प्लस आर ये खोलेगा। यहाँ पे आपको CMD टाइप करना है, एंटर दबा देना है, खुल गया। ठीक है, अगले वीडियोस में मैं आप लोगों को बताना शुरू करूँगा क्या क्या कैसे कैसे करना है, पाइथन को कैसे सीखना है। इंट्रोडक्शन हो गया, पाइथन इंस्टॉल हो गया, बस अब हमें सीखना है और कोड करना है। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।